हरिद्वार कुंभ में चीन की एंट्री, एमआरआई मशीनों की खरीद से चर्चाओं में आया मामला, स्वास्थ्य विभाग की मजबूरी बनी एमआरआई मशीन, महाकुंभ एमआरआई मशीन और मजबूरी। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में चीन की एंट्री हो सकती है। दरअसल उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने हरिद्वार महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली एमआरआई मशीन खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया है जो मशीनों के पार्ट्स चीन से ही खरीदती है। चीन से तनातनी के बीच इस खबर से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग को इस मामले पर सफाई देनी पड़ी। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन सिंह सेंगर का कहना है कि जिस कंपनी को एमआरआई मशीन खरीद के लिए टेंडर दिया गया है, उसके पास भारत सरकार की एनओसी है। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने पूरे प्रकरण को दिखाने की बात कही है। तो एक ही मशीन है जो राजकीय मेला चिकित्सालय में लगाई जा रही है। इसका टेंडर हुआ था, नवम्बर माह से प्रक्रिया शुरू की गई थी और बीच में ये कुंभ मेले से होना था, लेकिन कुंभ मेले से ना होकर फिर राज्य जो विभाग का बजट है उससे इसका स्वीकृति मिली थी। तो ये की मशीन ये राजकीय मेला चिकित्सालय में लगाई जा रही है। ये जो टेंडर बिडिंग थी, जिसका बिडर हैं वो बॉस्टन ईवी हेल्थ केयर मुंबई महाराष्ट्र के हैं, उनके नाम से निविदा दी गई है और उन्हें निविदा डाली है। जितना भी मुझे अभी तक ज्ञान में आया है, जितनी हमारी मशीन है सभी के पार्ट्स जो है लगभग चाइना में बनते हैं, चाहे यूएसए में हो, जापान में हो या मलेशिया कहीं भी हो। तो जब ये हमारे संज्ञान में आया था ऐसा कुछ है, तो उनसे इंक्वायर किया था, तो उन्होंने जो भारत सरकार से जो एनओसी होती है उनके उद्योग मंत्रालय से, वो उनके पास है और वो उपलब्ध करा देंगे। और अभी हमने ये मशीन लगाई नहीं है, परचेज ऑर्डर अवश्य दिए हैं और उसका परीक्षण कराया जा रहा है कि इसमें कोई हम जियो के विपरीत तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ गलत होगा तो उसको रोक दिया जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे कि कोई भी, जैसे अगर डिफेंस पर्सनल एक्चुअली जो भी कैबिनेट था वो डिफेंस सिक्योरिटी की वजह से था हमारा, तो चूंकि कोई आइटम जाए फिलिप्स कंपनी हो, सीमेंस हो, जी हो, जो मेन कंपनी है जो हमारी सप्लाई करती है हिंदुस्तान में, तो वो सारे पार्ट्स चाइना में बनते हैं। और जो ये कंपनी जो ये मुंबई के दे रहे हैं उनसे भी हमने जब पता किया तो उन्होंने बोला सब चाइना में ही बनते हैं और सभी का उन्होंने दिया भी है रिपोर्ट। फिर भी हम इसका परीक्षण कर रहे हैं कि हमारे कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ही कार्य हो। अभी जो आपने मैटर हमें बताया है, हम लोग उसको देखेंगे कि जो मेरे ख्याल से कुंभ में जो टेंडर्स इत्यादि हुए, हालांकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो काफ़ी क्लियर है, तो हम इसको हम लोग चेक करवा लेंगे। इसलिए कोई छूट नहीं होती, गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं वो इक्वली एप्लीकेबल है। महाकुंभ में स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों की खरीद को लेकर सवाल उठे तो विपक्षी नेता भी इसे भुनाने में जुट गए। कांग्रेसी नेताओं की माने तो उत्तराखंड में सरकार भले ही कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत में चीन से ही खरीद की जा रही है, जो कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर को दर्शाती है। चाइना को हम अपना दुश्मन मानते हैं, चाइना हमारे सैनिकों को बार बार हताहत कर रहा है, सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और हमारी जमीन में लगातार कब्जा कर रहा है। चाहे हमारे अभी गलवान घाटी की बात करें, चाहे हम आपका अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड के बाड़ाहोती की बात करें, जगह जगह पर चाइना ने हमें डिस्टर्ब किया है। और हमारी सरकार ने कहा कि हम चाइना के साथ कोई भी न राजनीतिक और न ही व्यापारिक संबंध रखेंगे, और जिस तरीके से हमारे सैनिक 20 सैनिक मारे गए हैं, ये सरकार उसको भी भूल गई है। और उसके बनिस्पत ये सरकार चाइना के जो पूंजीपति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, इनकी पार्टी को फंडिंग करने का काम करते हैं, उनके घर भरने का काम कर रही है। इसी की परिणति है कि एक तरफ आप कहते हैं हम चाइना से कोई माल नहीं खरीदेंगे, दूसरी तरफ 8 करोड़ की एमआरआई मशीन हरिद्वार में जो कुंभ में जो अस्पताल बन रहा उसके लिए खरीद रहे हैं। ये करके भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश की सरकार ने, देश के जो जवान है, हमारे सेना में जो जवान है, उनकी भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया है। जो शहीद हुए हैं उनके आश्रितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। चीन से स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों की भी मजबूरी है। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों को कैबिनेट के निर्णय के बाद भले ही चीनी कंपनियों को बाहर करने की कोशिश की गई हो, लेकिन हकीकत ये है कि जिन कंपनियों को टेंडर भी दिए जा रहे हैं वह भी इन उपकरणों को चीन से ही मंगवाने को मजबूर हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक एमआरआई मशीनों की खरीद नहीं की गई है,
ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि महाकुंभ में चीन की एंट्री हो पाती है या नहीं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल और हरिद्वार से सोमेश खत्री की रिपोर्ट।